हेलो, आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग हाइलाइट्स। हाइलाइट्स के जो अलग अलग नाम है, जैसे कि वीविंग सुना है आप लोगों ने, बालियाज सुना है, रूट समझ नहीं सुना होगा आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें, रूट शैडो के बारे में बात करने वाला हूँ, मनी पीस के बारे में बात करने वाला हूँ, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, और ये नई वीडियो है, बिल्कुल डिफरेंट है, ऐसे नाम जो राइट नेम है बट हम लोग लेते नहीं हैं। सो आप रेडी हो जाइए इसके बारे में जानने के लिए, चलिए शुरू करते हैं। और जब भी आप सलून में जाते हो तो हमेशा आप बात करते हो अपने स्टाइलिश के साथ, लाइक हम क्या करवाएं, कैसे हाइलाइट्स चाहिए, तो आपका स्टाइलिश पूछता है आपसे, राइट? और हमेशा आपसे बोलता है कि यू गो फॉर ये बाल हैं आपके, तो आप क्या सुजेस्ट करोगे, आपको क्या चाहिए। तो ऑब्वियसली क्लाइंट, जब भी क्लाइंट यानी कि मैं या आप कोई भी सलून में जाता है तो क्या करता है, हमेशा यही बोलता है कि मुझे हाइलाइट्स चाहिए एंड्स में, और यहाँ पे थोड़ा डार्क चाहिए, ये जगह पे डार्क चाहिए, बाकी सब जगह हाइलाइट्स चाहिए। तो उसके बाद जो आपका हेयर स्टाइलिश है वो बात करता है बेबी लाइट्स, बालयाज, हेयर पेंटिंग, रूट शेडो, रूट स्मज। तो ये सारे वाव, इतने बड़े बड़े नाम ना तो आपने कभी सुने हैं और ना आपको पता है इसके बारे में। तो मैं आज आपको ये चीजों के बारे में ही बताने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि आप लोगों को पूरी डिटेल में पता चले कि हम क्या करने वाले हैं। ओके, सो बी रेडी, पूरी वीडियो देखिएगा एंड तक, बहुत मजा आने वाला है। ओके, तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, वो कैसे होती हैं, कैसी दिखती हैं, ताकि आप उसके बारे में समझो और अपने हेयर स्टाइलिश को बताओ, ताकि आप दोनों एक पटरी पे रहें और आपको समझ में आएगा कि ये हाइलाइट्स मेरे पे अच्छी दिखेंगी या नहीं। सो इसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ, कैसी होती हैं, कैसी दिखती हैं, ये सारी चीजें। ओके, सो बी रेडी, ये सब वीडियो आप लोगों के लिए, सबके लिए, सो बी रेडी फॉर दैट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप अपने नोट्स वगैरह रेडी कर लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए हम किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं, कौन से हाइलाइट्स का नाम है, कैसे किया जाता है। सो बी रेडी फॉर दैट, हम स्टार्ट करेंगे अभी। ओके, तो जो आज हम पहले सबसे पहले बात करने वाले हैं वो है फुल सैचुरेशन हेयर पेंटिंग और बालयाज। तो ये काफ़ी नाम जो काफ़ी सुनने में आया है, आई डोंट नो कहाँ से ये नेम आया, और जब भी मैं सलून में काम करता हूँ अलग अलग क्लाइंट अलग अलग नाम से इसको प्रोनाउंस करते हैं, बलियाज, बोलियाज, बालाज, बालेज। तो जब भी मैं नए नए नाम सुनता हूँ तो हमेशा हंसता हूँ। ऑब्वियसली इसको जो राइट प्रोनाउंसिएशन है वो है बालयाज, और फुल सैचुरेशन हेयर पेंटिंग, इसलिए मैं इसको बोलता हूँ। हेयर पेंटिंग ज़्यादा इजी है बालयाज से अगर आप बोलते हो, और इसको कैसे किया जाता है वो भी मैं दिखाने वाला हूँ, आप नेक्स्ट क्लिप में देखेंगे वो कैसे किया जाता है। लेट्स स्टार्ट इट। तो फुली सैचुरेशन हेयर पेंटिंग जो है वो होता क्या है एक्चुअल में, ये हेयर पेंटिंग हेयर के दोनों साइड में होता है, अप एंड डाउन बोथ साइड। इसमें क्या बेनिफिट मिलता है कि आपके जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा कलर्ड हो जाते हैं, मैक्सिमम हेयर जो है इसमें कलर्ड हो जाता है, टॉप के साइड भी एंड अंडरनीथ, और नीचे से भी, बालों के नीचे के पार्ट से भी आपको इसको कलर करना पड़ता है। तो इसमें मैक्सिमम हेयर जो है वो कलर्ड हो जाते हैं, और जो हेयर टिप्स है, हेयर एंड्स है, हेयर लेंथ है, वो बहुत अच्छे से ब्राइटन कलर दिखाता है जब भी आप ये करते हो। और इसमें क्या होता है, जब भी आप कलर करते हो, बहुत ज़्यादा बाल जब कवर हो जाते हैं तो वो बहुत मैजिकल कलर आता है, लाइक चंकी, प्री लाइट करते हो आप बालों को, तो चंकी बोलना ज़्यादा, चंकी हाइलाइट्स बोलना ज़्यादा बैड होगा, क्योंकि पहले जब हम करवाते थे चंकीज मीन्स वो अजीब दिखते थे, बट वैसा नहीं है ये, डोंट गेट मी रॉन्ग, ये गलत मत लीजिएगा, बट राइट वे में ये जो हाइलाइट्स हैं बालयाज, ये सुपर्ब है और अभी बहुत ज़्यादा इन है, ट्रेंड में है, और जितने भी हम बात करेंगे वो सारे लाइट्स है, हाइलाइट्स जो है वो सारे अभी ट्रेंड में चल रहे हैं, फैशन में हैं। सो जस्ट धीरे धीरे एक एक स्टेप देखते जाइए। और मैं हमेशा जब भी सलून में काम करता हूँ तो मैं बालयाज ही करता हूँ, क्यों, उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि इसमें फुल सरफेस जो हेयर है वो कवर्ड हो जाते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है,
और इवन ज्यादा इजी भी है क्योंकि आप सारे बालों पे ब्लीच या कलर लगा रहे हो तो इजी हो जाता है आपको कलर करना। और सेकंड थिंग इसमें एंड इट्स क्रिएट अ ब्यूटीफुल मैजिक एंड कलर एंड जो भी बाल आप देख रहे हो ये फोटोज में साइड में ऐसे दिखते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और दोनों साइड बालों के मतलब सरफेस एरिया भी अंडरनीथ भी दोनों कवर्ड हो जाते हैं और मैक्सिमम हेयर कवर हो जाते हैं जैसे कि आप फोटोज में देख रहे हो, बहुत अच्छा दिखता है। आई ऑलवेज लव दिस। तो चलिए दूसरा शुरू करते हैं। दूसरा है, लेट्स स्टार्ट इट, पार्शियल सैचुरेशन हेयर पेंटिंग। ये हमारा सेकेंड टर्म है, सेकेंड नेम है जो मैं पेंटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, कलर के बारे में बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ओके, फुल सैचुरेशन एंड पार्शियल सैचुरेशन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, आप इनको इंटरमिक्स भी कर सकते हो, बट आप इनको अलग क्यों बोलते हो क्योंकि ये ब्लेंडेड है थोड़ा सा और इसमें ज़्यादातर हेयर कवर्ड नहीं होते हैं, 50% हेयर जो है इसमें कवर्ड हो जाते हैं विद द कलर, विद द ब्लीच और विद द प्री लाइनर जो भी आप यूज़ करते हो। और आप इसको फुल सैचुरेशन नहीं बोल सकते हो बिकॉज ये पार्शियल है, पार्शियल में हम लोग टॉप एरिया जो है वो हेयर का कवर कर देते हैं विद द प्री लाइटनर और विद द कलर और इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है जैसे कि आप ये वीडियो में देख रहे हो। और इस हाइलाइट्स में क्या होता है जब भी आप ये कलर करते हो पार्शियल सैचुरेशन हेयर पेंटिंग, क्या होता है कि हमेशा टॉप का एरिया कवर्ड हो जाता है और जो अंडरनीथ है वो वैसे की वैसे ही रहता है, वो बाल डार्क ही दिखते हैं। जब भी आपका क्लाइंट उसको टाई करता है तो पूरे बालों में क्या है, ऊपर लाइक इस तरीके से ऊपर करोगे तो पूरा एरिया जो है वो डार्क दिखेगा क्योंकि हमने ऊपर से पेंट किया है, बहुत सारा डार्क एरिया इसमें बाकी बच जाता है। सो बहुत ज़्यादा इंटरमिक्सेबल ये हाइलाइट्स हैं जिसको सैचुरेशन आप बोलते हो, राइट, पार्शियल सैचुरेशन हेयर पेंटिंग। और ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, इसको आप जैसे कि ये फोटोज में देख रहे हो, ये इसका ये तरीका है, इसको ऐसे दिखता है बाद में जिसमें कुछ ब्लोंड हेयर है कुछ ब्लैक हेयर है, दोनों पे अलग अलग रिजल्ट है, जस्ट सी इट। ओके, और मैं हमेशा पार्शियल सैचुरेशन हेयर पेंटिंग तब करता हूँ जब मैं डार्क हेयर पे काम करता हूँ, जैसे कि आप ये फोटोज में देख रहे हो डार्क हेयर में कितना अच्छा ब्लेंडिंग कलर दिख रहा है। आप इसमें डार्क कलर भी कर सकते हो, इवन ज़्यादा लाइटर ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता है, तो मैं सेटल्ड कलर लेता हूँ हमेशा इसमें करने के लिए। सो आई एम ऑलवेज रेकमेंड यू गाइस कि आप भी डार्क हेयर एशियन हेयर पे जब भी आप काम कर रहे हो तो हमेशा सेटल्ड कलर ले जो ज़्यादा ब्राइट ना दिखे। ब्राइट नहीं कर सकते हो आप जब आप पार्शियल सैचुरेशन हेयर पेंटिंग कर रहे हो, इसलिए मैं इसको पार्शियल बोलता हूँ बिकॉज हम इसको सिर्फ ऊपर ऊपर से कलर कर रहे हैं या ब्लीच कर रहे हैं या यू नो प्री लाइट कर रहे हैं, अंडरनीथ के जो बाल हैं वो डार्क है, राइट। और पार्शियल सैचुरेशन हेयर पेंटिंग के बाद आप नेक्स्ट टाइम जब भी क्लाइंट आता है तो यू हैव ऑप्शंस कि आप उसमें फुल सैचुरेशन हेयर पेंटिंग कर सकते हो क्योंकि उसमें काफ़ी सारे ब्लैक हेयर बाकी हैं और डार्क हेयर बाकी हैं, यू कैन पेंट देम ऑल्सो अगेन। इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि आप डार्क हेयर पर हमेशा गो फॉर पार्शियल सैचुरेशन हेयर पेंटिंग। और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो फॉर इट। इसमें जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं बेबी लाइट्स और फाइन वीव हाइलाइट्स। ये दो नाम हैं बट एक ही काम है दोनों का। सो जस्ट सी इट कि मैं कैसे करके दिखाने वाला हूं, इससे क्या रिजल्ट आता है, जस्ट गो फॉर इट। बेबी लाइट्स एंड फाइन वीव्स हाइलाइट्स। ये जो फाइन वीव हाइलाइट्स हैं या बेबी वीव है ये हमेशा विद द फॉइल यूज होती हैं बिकॉज जब भी आप फॉइल यूज करते हो फॉइल के अंदर हीट जनरेट होती है, हीट की वजह से इनका रिजल्ट और ब्राइटर और लाइटर आता है और ये बहुत अच्छा स्पार्क देती है बालों के अंदर क्योंकि ये बहुत फाइन वीव करते हैं हम लोग, बहुत बेबी लाइट्स करते हैं, तो बेबी लाइट्स की वजह से इसका जो कलर है या फिर आप बोलते हो कि बालों के कलर के साथ एकदम ब्लेंड हो जाती है, बहुत अच्छा स्पार्क, बहुत अच्छा मैजिक दिखता है बालों के अंदर। और जो बेबी लाइट्स है जब भी आप करते हो बहुत नीट एंड क्लीन है बिकॉज उसको फॉइल के अंदर हम रैप कर रहे हैं बहुत अच्छे से, नीटनेस क्लीन तरीके से इसको रैप कर देंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और इसके बारे में आगे बात करते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ और क्या क्या इसके अंदर बेनिफिट्स मिलते हैं आपको।
और जैसे भी हम पतले पतले वीव्स लेते हैं, जैसे कि आप डमी पे देख रहे हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से अगर आप पतले पतले वीव्स लेते हो और फॉइल के अंदर लगा देते हो, इट्स सो गुड, इट्स सो नीट एंड क्लीन। और बहुत ज़्यादा अगर आपको ब्लेंडेड और विथ फॉइल लाइटर कलर चाहिए तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इस कलर के साथ जाएं। दिस इज लुक गुड, जस्ट सी दिस। बेबी लाइट जो है वो एक्चुअली न्यू टर्म है। पहले हम बात करते थे वीविंग के बारे में, वीविंग एक्चुअली बहुत बहुत ज़्यादा मोटी भी निकालते हैं कुछ लोग, तो बेबी लाइट्स वीविंग जो है वो मोटी निकलती है। बेबी लाइट्स इसलिए बोल रहे हैं कि ये सुपर सुपर थिन होती हैं और इसको हम यूज़ करते हैं विद द टेल कॉम एंड विल हेल्प विद द टेल कॉम, विल प्लेस दैट फॉइल पेपर अंडर द हेयर एंड अप्लाई द प्री लाइटनर और कलर वट एवर यू वॉन्ट टू अप्लाई, इज डिपेंड ऑन यू। और हमेशा बेबी लाइट्स हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आँखों में इम्पैक्ट नहीं देता, बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है ऐसे जैसे आप बालियाज देखते हो दूर से बहुत ज़्यादा दिखता है, जैसे कि आप फोटोज में देख रहे हो, पिक्चर्स में देख रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होता, बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है और बालों में बहुत अच्छा स्पार्क दिखाता है बालों के अंदर। And you guys can, what you can do is you can mix with the full dimension hair highlights or hair painting, full saturation hair painting, and you can use with the root smudge. It's depend on you how you gonna do that. Okay, और baby lights में आप क्या कर सकते हो, top में baby lights करके and ends पे full saturation या partial saturation जो hair painting है उसको mix कर सकते हो। और इससे आप हमेशा क्या कर सकते हो, एक हेड में दो से तीन जो हेयर पेंटिंग है, हेयर हाइलाइट्स टेक्निक्स हैं वो आप मिक्स कर सकते हो, आप क्रिएट कर सकते हो एक बहुत अच्छा मास्टरपीस, यू नो दैट। और ये बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे हाइलाइट्स टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो, डिपेंड आप कैसे कर रहे हो, यू हैव टू डू अ प्रैक्टिस अलॉट ऑफ। अगर आपको ये करना है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, मैं हमेशा यही बात करता हूँ, इसलिए मैं कुछ ना कुछ न्यू चीज़ें ले लेके कुछ नई चीज़ें लेके आता हूँ, कुछ नई टेक्निक्स बताता हूँ, नाम बताता हूँ जो राइट नेम है, राइट वे है करने का। सो ये वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। ओके, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो अभी आने वाला है वो है स्लाइस हाइलाइट्स या स्लाइसिंग। तो स्लाइस हाइलाइट्स क्या है, जैसे हमने वीविंग के बारे में बात किया, अभी आ रहा है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या है, स्लाइसिंग एक्चुअली आपके बालों में बहुत अच्छा स्पार्क देता है, बट मेरा ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है बिकॉज इसके पीछे रीज़न है वो मैं बताने वाला हूँ। जब भी कोई क्लाइंट आता है बालियाज फुल सेचुरेशन हेयर पेंटिंग और स्लाइसिंग, मैं बोलता हूँ मुझे दे दो, आई विल डू इट, बिकॉज ये बहुत फास्ट होता है, बहुत जल्दी होता है और मैक्सिमम हेयर इसमें आपके जो है वो कलर्ड हो जाते हैं। फॉइल में भी ऐसा है, जैसे ही आप स्लाइसिंग करते हो, स्लाइसिंग में क्या करना है, आपको जस्ट फॉइल लिया, स्लाइस निकाला, पेंट किया एंड रैप किया एंड दैट्स इट। देखा कितना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है, एप्लीकेशन बहुत जल्दी हो जाता है, इजी हो जाता है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ ये मेरा फेवरेट है, ये जल्दी होता है, क्योंकि वीविंग में हमेशा आपको टाइम लगता है, बट स्टिल उसका अपना इम्पैक्ट है, इसका अपना इम्पैक्ट है। सो जस्ट सी दैट, स्लाइसिंग हमेशा बहुत ज़्यादा हाइलाइट्स दिखती हैं जिसमें, और बहुत कम टाइम लगता है, बहुत कम टाइम के अंदर आप बहुत ज़्यादा काम कर देते हो, स्लाइसिंग इसलिए अच्छी है। और ऑब्वियसली अगर आपका कम टाइम लग रहा है, फास्टर हो रहा है, क्विकर हो रहा है, तो ये ज़्यादा इजी, आई थिंक ये बेटर है। और जैसे कि आपने वीडियो में देखा, मैंने करके भी दिखाया और पिक्चर्स में भी देखिए, ये रिजल्ट आता है स्लाइसिंग का। और स्लाइसिंग हाइलाइट में क्या होता है, जब भी आप क्या करना है, जस्ट बहुत इजी है, स्लाइस लिया, फॉइल रखा, पेंट किया, फोल्ड किया, दैट्स इट, रन एंड रन एंड रन, बहुत जल्दी हो जाता है ये, बहुत क्विकर हो जाता है, राइट। और आप क्या कर सकते हो, हमेशा डार्क हेयर के अंदर अगर आपको बहुत डायमेंशनल, बहुत मतलब आपको कलर चाहिए, एकदम सेटल्ड कलर चाहिए, तो आप उसमें बहुत थिन स्लाइस ले सकते हो। वीव निकालने में हमेशा टाइम लगता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्लाइसिंग इज बेटर देन वीव, बट क्योंकि क्विकर हो रहा है, हमारे पास टाइम नहीं होता सलॉन्स में, तो आई ऑलवेज से दैट कि ये ज़्यादा अच्छा है, गो फॉर इट एंड यू कैन सी द पिक्चर्स। अगर आप डार्क हेयर में करते हो तो कितना अच्छा सेटल्ड डिमेंशनल कलर आता है, और बहुत पतले पतले वीव लेने के बाद आप डार्क हेयर में भी इसको कर सकते हो, बट अगर आप थिक वीव ले रहे हो तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा
हाई वॉल्यूम उसमें क्रिएट हो जाता है, हाई हाई कलर ज्यादा दिखता है. ओके, सो दिस इज माय फेवरेट एंड आई ऑलवेज डू दैट. मैं हमेशा यही करता हूँ, फुल सैचुरेशन हेयर पेंटिंग मींस बालियाज और स्लाइसिंग, दिस इज माय फेवरेट. इसके बाद हम बात करते हैं टोनर एंड ग्लोस. टोनर और ग्लोस जो है वो लाइफ सेवर हैं. क्यों, उसके पीछे रीजन मैं आपको बताऊंगा सीधा. ओके, टोनर एंड ग्लोस जो है वो ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं. कुछ चीजें जो टोनर है वो आपको बेस देता है, रिजल्ट देता है, शाइन देता है. टोनर एक्चुअली एक पुराना वर्ड है, तो आजकल ज्यादातर लोग ग्लोस के नाम से जानते हैं. सो मैं पूरा अच्छे से अपना बेस्ट दूंगा इसको डिस्क्राइब करने के लिए. जैसे कि आप पिक्चर्स में देख रहे हो, एक हाइलाइट्स हेयर है या लाइट हेयर है, उनको एक बेस्ट ग्लोस या टोन करना जिसमें आप एक सेटल्ड बाल पूरे एक टोन में दिखाने हैं, तो यू कैन डू दैट. आप जैसे कि पिक्चर्स में देख रहे हैं, राइट. ओके, टोनर और ग्लोस में एक और बेनिफिट है, जैसे कि आप ये फोटो में देख रहे हो, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्री लाइटन हेयर है ऑलरेडी, और इसको बाद में दिखाया गया है कि आप एक टोन में कैसे कर सकते हो. और टोनर का आप लोगों को पता है कि ये कभी भी लेवल अप नहीं चाहता है या लाइट नहीं करता है बालों के कलर को, ये सिर्फ टोन करता है, टोनिंग करता है. इट्स नॉट अ प्री लाइटनर, इट्स टोनर. तो ये हमेशा आपके बालों को एक टोन, एक लेवल दे देगा जो इवन दिखेगा बट लाइट नहीं करेगा. ओके, सो उस पे स्टिक रहिए कि ये लाइटनर नहीं है, इट्स जस्ट अ टोनर. ओके, हमेशा टोनर के बारे में बात करते हैं, ग्लोस के बारे में बात करते हैं, बहुत ज़्यादा मैजिक क्रिएट कर देते हैं. लास्ट के जो 10 मिनट्स होते हैं, जब भी आप हाइलाइट्स कर रहे हो, हाइलाइट्स किया हुआ है और क्लाइंट आके बैठता है, आपने जस्ट प्री लाइट किया, वॉश किया, क्लाइंट आया चेयर पे बैठा, मोबाइल में देखा या फिर मिरर में देख रहे हैं और बोलते हैं ये क्या कर दिया, पूरे बाल मेरे येलो हो गए हैं क्योंकि हमने प्री लाइट लगाया, राइट. प्री लाइट में उसे येलो होते हैं, बट उसमें अभी आप बोल सकते हो मैडम कि अभी हमने इसमें ग्लोस या टोनर ऐड नहीं किया है, क्योंकि उसी से ही मैजिक क्रिएट होने वाला है. लास्ट के जो 10 मिनट है मोस्टली उसी में ही मैजिक क्रिएट होता है, उसी में ही असल में रिजल्ट जो है दिखता है. सो आप क्लाइंट को समझा सकते हो ऐसा कि अभी हमारा काम बाकी है, टोनिंग करना बाकी है, डिपॉजिटिंग करना बाकी है. ओके, और जब भी हम टोनर करते हैं, टोनर करने से पहले प्लीज आप ज़्यादा कंप्लेन करना शुरू ना करें जब तक हमारा फुल जो हेयर पेंटिंग या कलर या हाइलाइट्स जो भी है वो कंप्लीट नहीं हो जाता है. जब तक हम टोनर नहीं लगा देते हैं या डिपॉजिट नहीं कर देते हैं, तब तक प्लीज़ कंप्लेन मत करिए. जैसे ही टोनिंग हो जाता है, लास्ट का 10 मिनट्स का जो मैजिक है वो क्रिएट हो जाता है, उसके बाद आप कंप्लेन कर सकते हो या फिर हैप्पी हो सकते हो, राइट. डिपेंड ऑन यू, आपको क्या करना है. अगर आपको पसंद आ रहा है तो यू गाइस कैन बी हैप्पी. चलिए अभी हम बात करते हैं रूट स्मज और रूट शैडो के बारे में. रूट स्मज और रूट शैडो, कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसे फेड होते हुए जाता है ऊपर की तरफ, और रूट्स स्मज जो होता है वो सिर्फ रूट्स पे किया जाता है. तो आई डोंट नो, मुझे ऐसा नहीं लगता है. मैं हमेशा इंटरमिक्स कर देता हूँ और करता हूँ. जैसे कि आप फोटोज में देख रहे हो, इसका बहुत डिफरेंट रिजल्ट है. जैसे कि आप रूट्स पे देख रहे हो, बहुत ज़्यादा डार्क हेयर है एंड लेंथ पे एकदम फेडेड, अलग से रेड क्रेजी कलर है, ब्लू कलर है. इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे कर रहे हो. इट्स बेटर और ये हमेशा अच्छा दिखता है. जब भी आप क्रेजी कलर करते हो बहुत अच्छा दिखता है. और किसी को भी जब भी आप रूट स्मज या रूट शेडो करते हो, आप आजकल तो सबको यही चाहिए बिकॉज रूट्स डार्क चाहिए और बाकी सब लेंथ पे लाइटर चाहिए. किसी को भी रूट्स पे एकदम ब्राइट ब्लोंड ब्राइट लाइटर शेड कलर नहीं चाहिए होते हैं. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं काम कर रहा हूँ अभी इंडस्ट्री के अंदर ऐसा चल रहा है और यही सब लोग क्रिएट कर रहे हैं. कुछ एरियाज में ऐसा होता है कि दे वॉन्ट सम प्री लाइटन हेयर ऑन द रूट्स. इट्स डिपेंड ऑन द क्लाइंट्स, क्लाइंट्स को कैसा चाहिए. जैसे कि मैंने अलग अलग पार्टीशन और अलग अलग वीडियोज बनाई हैं, अलग अलग टेक्निक्स बता दी हैं. आप डिपेंड है आपको क्या करना है, बट मैं इसके बारे में भी बता रहा हूँ इसीलिए कि आप ये भी कर सकते हो और ये अभी ट्रेंड में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, रूट्स मच और रूट शेडो.
क्योंकि जब भी आप कलर करते हो कुछ, इसमें एक ये भी बेनिफिट है कि आप अगर आप कलर कर रहे हो, चंकी हाइलाइट्स कर रहे हो रूट्स पे और बहुत ज़्यादा गलती हो गई कहीं पे, पैच आ गया है, सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू उसको छुपाने के लिए, आपको वो बहुत अच्छा तरीका है कि रूट्स मर्ज और रूट शेडो से आप उसको काफ़ी हद तक कवर कर सकते हो। जैसे कि ये फोटोज़ में मैं दिखा रहा हूँ कि बहुत अच्छे से ब्लेंड किया हुआ है, रूट्स को अच्छे से ब्लेंड कर दिया एंड लेंथ को बहुत अच्छा ब्लेंडिंग कलर दिख रहा है, जैसे कि एश है और बहुत लाइटर टोन प्लैटिनम कलर है, बहुत सारे अलग अलग कलर आते हैं। सो दिस इज द बेस्ट वे टू हाइड द चंक्स फ्रॉम द रूट्स, जैसे आपने चंकी प्री लाइटन हेयर किए हैं तो उसको आप रूट्स पे छुपा सकते हो विद द रूट्स मर्ज और रूट शेडो। और इसमें और बहुत ज़्यादा डिटेल में जा सकते हैं बट मैं इतना ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ क्योंकि वीडियोज़ ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो जाते हैं। सो मैं ये बोलूँगा कि ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि आपको एक सिंपल टेक्निक से बताया जाए कि ये क्या नाम है और क्यों किए जाते हैं और कैसे दिखते हैं, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हो। हमेशा मैं छोटा छोटा ऐसा कुछ वीडियो लेके आने वाला हूँ, प्लान कर रहा हूँ कि आप लोग इसको भी देखें। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे मनी पीस के बारे में। ये बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंड में है और बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत मज़ेदार लुक है इसका। इसको मनी पीस बोलते हैं, फेस फ्रेमिंग बोलते हैं, फेस कॉन्टूर बोलते हैं, कुछ एरिया में डिपेंड करता है आप क्या क्या नाम ले सकते हो, बट मनी पीस इज द बेस्ट। अभी जो इसका राइट नेम है उसको बोलते हैं मनी पीस। ओके, मनी पीस जो है मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा फैन नहीं हूँ बट अभी ट्रेंड में है क्योंकि ये एकदम फ्रंट से यहाँ से इस तरीके से आती हैं और दिखती हैं, बहुत ज़्यादा प्री लाइट किया होता है बालों को या लाइटर शेड में होती हैं, और डार्कर हेयर में लोग आजकल रेड कलर के जो दोनों साइड से आपके फेस को फ्रेम करते हुए निकलती हैं और बहुत अच्छा दिखता है। आई नो आई ऑलवेज सॉ दैट काइंड ऑफ हाइलाइट्स, आई डू समटाइम्स, क्लाइंट अगर बोलता है तो उनको बोलने पे करना पड़ता है, इट्स नॉट अ बिग डील। मनी पीस जो है मैं हमेशा से इसका फैन नहीं हूँ बट समटाइम्स ये क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्राइट होती हैं, फेस के आगे आती हैं, आई डोंट लाइक कि इतना ब्राइटर कलर आपके फेस के ऊपर आए जो कि फेस फ्रेम करते हुए जाए, बट इसको आप इसके साथ मिक्स भी कर सकते हो, जैसे कि फुल सेचुरेशन हेयर पेंटिंग बालियाज और पार्शियल सेचुरेशन हेयर पेंटिंग और बेबी लाइट्स के साथ इसको मिक्स करके आप इंटरमिक्सेबल करके इसको यूज़ कर सकते हो। ये हमेशा अच्छा दिखता है, कुछ कुछ क्लाइंट पे अच्छा दिखता है, डिपेंड कि वो क्लाइंट उसको कैरी कर पा रहा है या नहीं, डिपेंड ऑन दैट। ओके ओके, तो ये सारी थी आज की बेसिक हाइलाइट्स टेक्निक के बारे में मैंने बात की, और भी बहुत सारी हजारों लाखों अलग अलग टेक्निक्स हैं दुनिया में जो लोग यूज़ करते हैं बट उनका बेस जो है वो यही है, यहीं से स्टार्ट होता है हाइलाइट्स। और मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा कि जब भी आप हाइलाइट्स करवाना चाहते हो तो आप अपने हेयर स्टाइलिस्ट के साथ प्लीज़ पहले कंसल्ट करो कि कौन सी हाइलाइट्स मेरे हेयर के अकॉर्डिंग अच्छी दिखेंगी और ज़्यादा अच्छी रहेंगी और कौन सी ज़्यादा देर टिकेंगी, ज़्यादा लंबे समय तक रहेंगी मेरे बालों में। तो हमेशा पहले आप अपने हेयर स्टाइलिस्ट के साथ बात करो इसके बारे में और देन आप हाइलाइट्स करवा सकते हो। ओके, तो मैं रेकमेंड करूंगा जब भी आप सैलून में जाते हो पिक्चर्स लेके जाएं अपने मोबाइल में, आप क्या सोच रही हैं, आपको क्या करवाना है, तो आप अपने हेयर स्टाइलिस्ट को अच्छे से बता पाएं और तब आप जाके दोनों एक ट्रैक पे आ पाएंगे और वो अच्छे से कर पाएगा। और ज़्यादातर ध्यान रखें कि हमेशा उसी स्टाइलिस्ट के पास जाएं जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो आपको देखने से बात करने से पता लग जाता है हमेशा जब भी आप अपने हेयर स्टाइलिस्ट से बात करते हो, और अगर आप उसको अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे और वो अच्छे से उतना कॉन्फिडेंटली नहीं कर पाएगा तो आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको अपने बालों में हाइलाइट्स चाहिए। ओके, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा और मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें राइट चीज़ों के बारे में टीच करता रहूँ, बताता रहूँ, और मैं आपसे यही कामना करता हूँ कि आप मेरे चैनल को फॉलो करें, जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है उसका नाम है हेयर सॉल्यूशन, आप जाके अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, प्लीज़ उसको जाके फॉलो करें। और जो लोग भी मेरे इस चैनल पे नए आ रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा,
सब्सक्राइब बटन के बाजू में एक बेल का आइकन है, अगर आप उसको दबाएंगे तो जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ जल्दी मिलूंगा आप सबको। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड एंजॉय।